डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। सावन माह के पावन पर्व पर मामा भांजे कांवड़ यात्रा शहर के जिमखाना क्लब से शुरू विभिन्न मार्गों से होती हुई निकली, जो 3 अगस्त को उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकालेश्वर का अभिषेक करेगी। ये यात्रा खेड़ी घाट से 28 को शुरू हुई, जिसने रविवार को नगर भ्रमण किया। यात्रा प्रमुख लखन यादव मामा, जितेंद्र सिलावट गुरु, पवन सिलावट, सचिन सिलावट ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से मामा भांजे कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा श्री श्री 1008 नरसिंहपुरी महाराज की कृपा से व महंत श्री विभूतिपुरी महाराज के सानिध्य में तकरीबन 200 कांवड़ियों के 28 जुलाई अमावस्या को कांवड़ में जल भरकर उज्जैन से निकले, जो शनिवार की रात इंदौर पहुंचे। रविवार की सुबह 11 बजे कांवड़ियों ने पूजन अर्चन के साथ यात्रा की शुरुआत जिमखाना क्लब से की, जो जिमखाना क्लब रेसिडेंसी कोठी GPO छावनी होते हुए उज्जैन के लिए रवाना हुई। कांवड़िये 3 अगस्त को उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल का अभिषेक करेंगे। यह यात्रा पूरी द्वारा निशुल्क देती है, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यात्रा मामा भांजे भक्ति मंडल द्वारा आयोजित की जाती है। इस यात्रा में महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास महाराज, महंत रुक्मणी देवी, भारत मथुरा वाला सहित अन्य उपस्थित हुए। महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास महाराज का स्वागत लखन यादव ने किया। यात्रा में 8 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बच्चे भी कांवड़ लिए चल रहे थे। कांवड़ यात्री बोलबम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान विभिन्न मार्गों पर कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अनिल साठी, रमेश तायड़े, शिवाजी चांदनी, सावन बोरेले, पृथ्वी चंदन शिव, श्री मांग समाज नारी शक्ति महिला की अध्यक्ष लता ताई बैराल, अनुसूचित जाति मोर्चा के सोशल सह मीडिया प्रभारी अमर पेंढारकर, बंटी शिरोडकर, संदीप भौचर, अजय मोरे, विजय बाबुलकर, रवि सोनू ने, दीपक खंडारे, दिनेश चांदने, मुकुंद बोदड़े, सुनील ताड़े, आंबेडकर मंच के अध्यक्ष स्वप्निल ताड़े उपस्थित थे। माँ भांजा कांवड़ यात्रा जो उनका है खेड़ी घाट से नर्मदा का जल लेके विधि विधान से पूजन करके और उज्जैन महाकाल में नागपंचमी 3 तारीख को जल अभिषेक करवाएंगे और वहाँ भी अनेक संत में महामंडलेश्वर इकट्ठा होंगे और हमारे इस समिति के अध्यक्ष लखन जी यादव, उनका हमको काफ़ी सहयोग और योगदान रहा और मिलता रहता है और यह यात्रा विगत 15 वर्षों से चल रही है। ये जो हम मामा भांजे की भव्य कांवड़ यात्रा देख रहे हैं, आज बारौली तक पहुंच चुकी है, कहां से शुरू हुई थी, कहां तक जा रही है और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? ओम नमो नारायण। सावन माह की सभी को, सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये मामा भांजा कांवड़ यात्रा 28 तारीख को खेड़ी घाट से माँ नर्मदा का पावन जल भरकर निकली है और अभी बारौली पहुँचे हैं। दिनांक 3 अगस्त को मामा भांजे भक्तगण कांवड़ यात्रा, जो 200 कांवड़ी हैं, ये महाकाल को जल अभिषेक करेंगे सुबह 3 बजे। ये श्री ब्रह्मलीन नरसिंहपुरी के आशीर्वाद से विभूतिपुरी बाबा के मार्गदर्शन में महंत श्री कमलपुरी जी, कपिलपुरी जी, करणपुरी जी के आशीर्वाद से मामा भांजा भक्तगण का ये 15वां साल है
और मामा भांजा कांवड़ यात्रा निकली जा रही है, अनाज मंडी से निकलती है हर साल।